पीएम मोदी 24 जनवरी को पुरस्कार पाने वाले बच्चों से करेंगे बातचीत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की हुई बैठक, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक रहे मौजूद। राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, 8 नए लोगों को दी बड़ी जिम्मेदारी, 8 जिलों के अध्यक्ष बदले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 जनवरी को जाएंगे जयपुर, जयपुर में 22 और 23 जनवरी को चुनाव को लेकर होगी बैठक। रामचरितमानस पर दिए बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कुरान को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि सर तन से जुदा कर दिया जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर से की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निजीकरण की राह पर चल रही बीजेपी ऐसे कानूनों को बना रही जिससे निजी हाथों में चली जाए सरकार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत गरीब परिवारों को बांटे भूमि पट्टे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, लोकतंत्र में जनता ठान ले तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भगवान राम पर लेखक के एस भगवान ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, इससे पहले भी कई बार वो विवादित बयान कर चुके हैं जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी जल्द हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में मिलेगी, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एआई ट्रांसलेशन के उपयोग पर दिया जोर। कोलकाता में पुलिस से भिड़े आईएसएफ कार्यकर्ता, लाठीचार्ज, हजारों कार्यकर्ता टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। जालौन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों के प्रति एक्टिव, वेलफेयर सोसाइटी ने लोगों को किया जागरूक, वाहन चालकों को नियमों के पालन करने की दी सलाह। सोनभद्र के अधौरा गांव में अंधे व्यक्ति का केसीसी कर 1,90,000 रुपए ठगने का आरोप, गांव के ही एक व्यक्ति ने आंख ठीक कराने के नाम पर कराया था केसीसी। प्रयागराज में फर्जी अपहरण का हुआ खुलासा, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले को सुलझाया, शख्स ने पैसों के लिए अपने अपहरण का किया था झूठा नाटक। कन्नौज में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पास में मौजूद 3 दुकानें जलकर राख। G20 के लिए आगरा में वैज्ञानिक बना रहे सड़क, CRI की मदद से शुरू हुआ सड़क निर्माण, यूपी में पहली बार वार्म मिक्स तकनीक का हो रहा प्रयोग। हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल, वीडियो वायरल। औरैया में देर रात सो रहे परिवार के ऊपर गिरी कच्ची दीवार, पति पत्नी और एक बच्चे की मौत, 2 बच्चों की हालत गंभीर। हमीरपुर में NH 34 पर हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार समेत ई रिक्शा को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे जा रही महिला को रौंदा, महिला की मौत। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लखनऊ में DCP पश्चिम ने 50 पुलिस कर्मियों को बांटे फ्लोरेसेंट जैकेट, किया पैदल गश्त। हमीरपुर में अवैध रूप से चल रही बसों पर जिला प्रशासन का कसा शिकंजा, DM के आदेश पर ARTO ने डबल डिग कर बसों को किया सीज। मथुरा में पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी आरोपी को 4 साथियों के साथ किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद।
बुलंदशहर में गंगा नदी पर पुल निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप, ग्रामीणों ने किया हंगामा। निर्माणाधीन पुल के बीम में पड़ी दरार, कंक्रीट का काम रुकवाने पर अड़े ग्रामीण। मिर्जापुर के कटरा में देसी शराब की दुकान में घुसी नील गाय, भगदड़ मचने से करीब आधा दर्जन लोग घायल। वन विभाग की टीम ने नील गाय को कब्जे में लेकर जंगल में छोड़ा। मिर्जापुर के तुलापुर रेलवे पटरी पर शख्स ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, पति को बचाने गई पत्नी गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर के अदलपुरा पंप कैनाल में फंसा मिला वाराणसी से लापता साड़ी व्यापारी का शव, अपहरण के बाद हत्या कर फेंका गया महमूद आलम का शव। रायबरेली में आवारा जानवरों से परेशान होकर किसानों ने सभी जानवरों को स्कूल के अंदर किया बंद। किसानों ने कहा ठंड में रात भर पहरेदारी करने के बाद भी आवारा जानवरों से नहीं बच पा रही फसलें। रायबरेली में देश का दूसरा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जल्द ही देश को किया जाएगा समर्पित। ततौली में बने इस इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करने पहुंचे थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सुमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेताओं ने 100 करोड़ का किया कोविड सेंटर घोटाला। बैंक अकाउंट को भाड़े पर देकर ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार, जीआरपी ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पिकनिक पर गए जिला परिषद के स्कूल के 12 छात्र फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार, पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने जांच के दिए आदेश। धीरेंद्र शास्त्री के बचाव में उतरे बीजेपी नेता राम कदम, अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव पर राहुल गांधी का एजेंट होने का लगाया आरोप। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्टॉप डैम जीर्णोद्धार, ग्रामीणों ने लगाया फर्जी बिल लगाकर राशि निकालने का आरोप। पंजाब के सीएम भगवंत मान दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुंबई, मुंबई में कारोबारियों से मिलकर पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे मीटिंग। मुंबई के घाटकोपर में रहने वाली एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म, पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में 19 जनवरी को पीएम मोदी के सभा में फर्जी सैनिक बनकर घुसने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, खुद को सेना का गार्ड्स रेजिमेंट से नायक होने का किया था दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं को परीक्षाओं में मानसिक दबाव से निकालने के लिए लिखी एग्जाम वॉरियर्स किताब, सफलता दिलाने के लिए बताए 28 मंत्र। बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ने सक्रिय महिला सम्मेलन में की शिरकत, प्रशासनिक पत्र से महिलाओं को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के सहसपुरा लोहारा में नए शक्कर फैक्ट्री खोलने की मांग, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के कैथल सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी घोषणा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने मंडला में 2 दिवसीय मिलित सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा पारंपरिक खेती की ओर से जाने का अवसर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को कहा कुंठित व्यक्ति और बुजुर्ग नेता। एमपी के शिवपुरी में दीवार के नीचे दबने से 4 लोगों की मौत, मूंगफली के मिल में काम कर रहे मजदूरों पर गिरी मिल की दीवार। मध्य प्रदेश के विदिशा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा के आयोजन को लेकर रखी गई धर्म सभा, अप्रैल में भागवत कथा का होना है आयोजन। विदिशा में निकाली गई ऐतिहासिक राम बारात, बारात में बैंड बाजे के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, चारों तरफ जय श्री राम की गूंज।
बुलंदशहर में हाई वोल्टेज लाइन को चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्य गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों का बताया जा रहा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 6 चोर गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से 2 लाख रुपए, 1 ट्रक, 3 तमंचे और 6 कारतूस बरामद। शाहजहांपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने साइबर सेल के इंस्पेक्टर पर पिस्टल तानने का लगाया आरोप, बताई अपनी जान को खतरा। उज्जैन पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग के सदस्यों को किया गिरफ्तार। शादी करवाने के नाम पर लोगों के साथ करते थे धोखाधड़ी। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट की तैयार। चार्जशीट में 100 से ज्यादा लोगों की गवाही दर्ज। उधमपुर में पुल पर लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, वाहनों के लिए फिर से खोला गया। महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज ने गौ हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दों के खिलाफ कानून की मांग को लेकर निकाली जन आक्रोश रैली। दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकी का किया गया पूर्वावलोकन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, भारी तादाद में हथियार बरामद। हरियाणा में भुप्पी राणा गैंग के 2 गैंगस्टर अरेस्ट, माइनिंग वालों पर बना रहे थे दबाव। मुंबई में गोवंडी इलाके में 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, 23 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। 26 जनवरी से पहले हाई अलर्ट पर बीएसएफ, गुजरात और राजस्थान से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर, मुख्यमंत्री मानिक साह ने घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार, पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अधिकारियों और पुलिस को दी चेतावनी, कहा कान खोल कर सुन ले, 8 महीने बाद सबका लेंगे हिसाब। 8 महीने बाद होना है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उपायुक्तों और एसएसपी के साथ की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली महिला आयोग के चीफ स्वाति मालीवाल को कार से घसीटने के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.8 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता। नेपाल प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले 4 भारतीयों के परिजनों को अभी तक नहीं मिले शव। तमिलनाडु के धर्मपुरी में जलीकट्टू देखने वाले 14 साल के लड़के पर सांड का हमला, लड़के की गई जान। केरल के कोची एयरपोर्ट पर यात्री से 47 लाख रुपए का सोना बरामद, यात्री को किया गया गिरफ्तार। बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर घमासान जारी, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा जोशी मच आकर दरारों को जोड़ कर दिखाओ। नरवाल विस्फोट में आतंकियों ने किया टाइमर आईडी का इस्तेमाल, आज भी इलाका सील, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। एक्शन में खेल मंत्रालय WFI के कामकाज पर लगाई रोक, अतिरिक्त सचिव भी सस्पेंड। जल्द पूरा होगा जनरल रावत का ड्रीम, सेना में थिएटर कमांड बनाए जाने का काम लगभग पूरा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 16 अधिकारियों का किया तबादला, 4 IAS अधिकारी, 4 IPS अधिकारी और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव लड़ेंगे तो केवल उन्नाव से, नहीं तो नहीं।
यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, नकल करने पर लगेगा एनएसए, निरीक्षक भी नपेंगे। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, पुलिस हत्या का मामला किया दर्ज। 2001 के उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में केस दर्ज। पूर्वोत्तर में चीन सीमा के पास युद्धाभ्यास करेगी इंडियन एयरफोर्स, एलएसी पर गरजेंगे राफेल और SU-30 लड़ाकू जेट। लखनऊ में 23 फरवरी से 11 जुलाई तक बंद रहेंगी रात में उड़ानें, रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ान पर रहेगी रोक। पहली बार कर्तव्य पथ पर सबसे आगे बैठेंगे श्रमजीवी, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान फ्रंट लाइन सीटें रिक्शा वालों और सब्जी विक्रेताओं के लिए रहेंगी आरक्षित। दिल्ली में यमुना की सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय, एलजी ने 6 महीने का दिया समय। सफेद दाढ़ी में एमएस धोनी का न्यू लुक वायरल, फैंस बोले फायर है। अमेरिका ने रूस के वैगनर ग्रुप को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन, अगले हफ्ते होंगी पाबंदियों की घोषणा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने बोलसोनारो समर्थक दंगों को लेकर सेना प्रमुख को किया बर्खास्त। अमेरिकी मीडिया में बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती, छटनी करने वालों में सीएनएन न्यूयॉर्क मैगजीन भी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी घर में 6 और फाइलें मिली, 13 घंटे चली तलाशी, पहले कहा था सीक्रेट फाइलें रखने का अफसोस नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग, 10 की मौत, 19 घायल, चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुई थी घटना। सेल्फी का ट्रेलर हुआ रिलीज, अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की जोड़ी ने दिया कॉमेडी का डोज, 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म। साउथ इंडियन अवतार में दिखी जानवी कपूर, यूजर्स ने श्रीदेवी से की तुलना। और फिर गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए ऋतिक रोशन, बहन सुनैना के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुई सबा आजाद, पूरी रोशन फैमिली के साथ आई नजर। नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस पर ठोका मानहानि का केस, 25 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। बिग बॉस घर से बेघर हुई सौंदर्या शर्मा, इस सप्ताह 4 लोग घर से बेघर होने के लिए हुए थे नॉमिनेट। बिग बॉस 16 में एंट्री लेते ही एकता कपूर ने किया बड़ा ऐलान, निमरत कौर को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए किया साइन। इंदिरा गांधी के लुक में कंगना रनौत ने किया डायरेक्शन, सामने आई इमरजेंसी के सेट की तस्वीरें। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल 23 जनवरी को बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी से करने जा रहे शादी, शनिवार को खंडाला में हुई हल्दी की रस्में। सारा अली खान ने सुशांत का बर्थडे किया सेलिब्रेट, एनजीओ में बच्चों के साथ काटा केक। गांधी गोडसे की स्क्रीनिंग में पहुंची रेखा, कियारा की डुप्लीकेट तनिषा संतोषी ने वेटरन एक्ट्रेस के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत के लिए करो या मरो वाली मैच, न्यूजीलैंड को हराया तो पहुंचेंगे क्वार्टर फाइनल में, हारे तो होंगे बाहर। विंबलडन चैंपियन एलेना रिबाकिना ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक को सीधे सेटों में हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन
ओपन के विमेंस डबल्स कैटेगरी के राउंड टू में हारी रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 का मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड से दूसरा वनडे जीत कर तीसरे नंबर पर आई टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा पीछे। और आईसीसी ने ओलंपिक में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में 6-6 टीमों की भागीदारी का रखा प्रस्ताव। फिलहाल अभी ओलंपिक में क्रिकेट की भागीदारी तय नहीं।